आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में गिवन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस एट अ डिस्टेंस इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ वन ऑफ द लेंस। फोकल लेंस को फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है। अब यहाँ पे बोला ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस इज ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ टू सेपरेटेड फ्रॉम द लेंस इज ए जो एक कनकेव मिरर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अदर साइड में यहाँ पे प्लेस किया हुआ है एंड सेपरेटेड फ्रॉम द लेंस बाय डिस्टेंस ऑफ टू इंटू एफ वन प्लस एफ टू। टू इंटू एफ वन प्लस एफ टू डिस्टेंस पे दूसरा कनकेव मिरर यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। अब क्या बोला, लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पासिस राइटवर्ड थ्रू द लेंस, रिफ्लेक्ट फ्रॉम द मिरर, पासिस लेफ्टवर्ड थ्रू द लेंस एंड फॉर्म्स द फाइनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम लोग बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, यहाँ पे ट्वाइस द लेंथ ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, तो मीन्स टू एफ वन डिस्टेंस पे यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, टू एफ वन। एंड जो मिरर है, मिरर कितना डिस्टेंस पे है लेंस से, ये टू इंटू एफ वन प्लस एफ टू डिस्टेंस पे, मीन्स टू एफ वन प्लस टू एफ टू डिस्टेंस पे। ओके, एंड टू एफ वन डिस्टेंस क्या होता है, टू इंटू एफ, टू एफ टू है कर्वेचर ऑफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दिस मिरर हो गया, एंड टू इंटू एफ वन सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दिस लेंस हो गया। सो तो यहाँ पे हम लोग क्या बताना है, लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पासिस थ्रू राइटवर्ड थ्रू द लेंस, रिफ्लेक्ट फ्रॉम द मिरर, यहाँ से लाइट पास हुआ, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ से लाइट पास होकर रिटर्न होकर पास हुआ एंड फाइनल इमेज बनाया। सो हम लोग बताना है इमेज कहाँ पे बनेगा। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो पहले ए टू एफ वन डिस्टेंस एफ वन है एंड तो ए डिस्टेंस भी कहाँ कितना होगा, एफ वन, एंड यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, टू इंटू एफ वन प्लस टू इंटू एफ टू। ओके, तो टू इंटू एफ टू क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मीन्स यहाँ पे होगा, ये हो गया, ये डिस्टेंस हो गया टू इंटू एफ टू एंड यहाँ से डिस्टेंस हो गया कितना, टू इंटू एफ वन, तो जो कि सेंटर ऑफ, तो ये जो ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस किया हो, तो इसका जो इमेज बनेगा यहाँ टू उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा, टू इंटू एफ वन, तो ये जो ये आई वन बना, आई वन आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस, ये हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो इमेज यहाँ पे रहता है फॉर कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ हो, तो इसका इमेज कहाँ पे बनता है, उसका इमेज बनता है इन्वर्टेड इमेज बनता है वहीं पे। तो दूसरा इमेज बनेगा यहाँ पे, बनेगा ये आई टू ऑफ सेम साइज का इमेज बनेगा, ये गया ओके। एंड ये जो फिर अगर देखो, फिर तो ये जो नया सिचुएशन है, पहले वाले इन दोनों सिचुएशन, यहाँ से लाइट रे आया यहाँ पे बना एंड फिर यहाँ पे, फिर इसके लिए ये जो लाइट रे यहाँ से जो पास होगा यहाँ, ये जो इमेज से, ये इमेज के लिए फिर से इमेज यहाँ पे बनेगा आफ्टर यहाँ से, यहाँ से क्या बोलता है, इस मिरर से आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे इससे पास होगा लेंस से, वो उसका इमेज फाइनली कहाँ पे बनेगा, वो फाइनली उसका इमेज यहीं पे बनेगा इसके नीचे में, ये इमेज आई थ्री बना, तो जो कि अपना फाइनल इमेज है एंड वो सेम साइज का इमेज बनेगा, क्योंकि जो सारे इमेज बन रहे हैं अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बन रहे हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम इमेज बनता है, सेम साइज का इमेज बनता है बट इन्वर्टेड बनता है वो, तो अपना फाइनल इमेज क्या बना, इन्वर्टेड बना, उसी पोजिशन पर बना एंड ऑफ सेम साइज बना। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला, द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द फाइनल इमेज इज इक्वल टू टू एफ वन, तो लेंस एंड फाइनल इमेज का बीच डिस्टेंस कितना हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस टू एफ वन, तो ऑप्शन है क्या करेक्ट है, ऑप्शन बी में क्या बोला, द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड फाइनल इमेज इज इक्वल टू टू इंटू एफ वन प्लस एफ टू, तो ये गलत हो गया। सी में क्या बोला, द फाइनल इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो तो ये जो इमेज है रियल इमेज है, क्योंकि जो
यहाँ एक्सटेंड करने के बाद नहीं बना ये इमेज, ये लाइट यहाँ से पास हुई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ इसका, रिफ्लेक्शन होने के बाद इसका जो इमेज बनेगा यहाँ पे बनेगा इसका इमेज, तो ये रिफ्लेक्शन होने के बाद जो लाइट यहाँ से पास होकर जाएगी उसका इमेज यहाँ पे बनेगा, फिर जो लाइट रे, ये जो लाइट रे सारी जा रही होगी यहाँ से, फिर से वो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा इस लेंस से रिफ्लेक्शन होगा, फिर उससे जो रिफ्लेक्शन होगा वो ये सारे सारे लाइट रे जहाँ कट करने के बाद ही इमेज बना है, लाइट रे को एक्सटेंड करने के बाद इमेज नहीं बना, तो ये रियल इमेज है एंड इन्वर्टेड है, तो फाइनल इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। डी में क्या बोला, द फाइनल इमेज इज रियल इरेक्ट एंड सेम साइज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो सीधा नहीं है इन्वर्टेड इमेज है, तो ऑप्शन डी गलत है, ए एंड बी, तो इस क्वेश्चन का ए एंड सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।